बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ SOC 101 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करने जा रही हूँ। इस असाइनमेंट की लास्ट डेट आपकी है 9 दिसंबर, ठीक है। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, इसका ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें कि इसमें आपसे क्या करवाना है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो अपॉन कम्प्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, के ब्यूरोक्रेसी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें एक जो है ना वो स्पेसिफिक सिनेरियो क्रिएट करके आपको दिया गया है। अभी मैं टाइम वेस्ट करते हुए इसको जो है ना वो नहीं रीड करूँगी, लेकिन आपको ये बता दूँ कि एक्चुअली में इस सिनेरियो में ये बताया हुआ है कि मिस्टर ताहिर जो है ना एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्वेंट हैं, जो कि वो 15 साल से उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। और जब वो स्टार्ट उन्होंने किया था तो वो बड़े एक्साइटेड थे और कह लें कि बड़े कह लें डिज़ायर के साथ अपने काम करते थे, उनमें एक क्यूरियोसिटी थी। लेकिन जैसे जैसे अब वो डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम्स अपने ब्रदर के साथ, वो कहते हैं कि अब मैं सेम काम कर करके जो है ना वो उकता गया हूँ, अब मतलब मेरा दिल नहीं करता कि मैं चेंज लाऊँ कुछ या जो भी है, बस ऐसे समझ लें कि टाइम गुजार रहा है या एक ड्यूटी कर रहा है। उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको फेस करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ उन्होंने ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ की बात की है कि एम्प्लॉयज़ के लिए वो इतनी फ्रेंडली नहीं होती, जिस वजह से एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहते हैं, डिससेटिस्फाइड होने की वजह से वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इस तरह कुछ और रीजंस भी इधर बताई हुई हैं, तो आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप मेरे से शेयर कीजिएगा, मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवा दूँगी। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें ये बात पूछा हुआ है, यू हैव स्टडीड 4 प्रॉब्लम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि आपने ब्यूरोक्रेसी के 4 प्रॉब्लम्स को स्टडी किया अपने लेसन नंबर 9 में। ये चारों के नेम यहाँ बताए हुए हैं, ब्यूरोक्रेटिक अलाइनेशन, ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी जिसे रेड टैपिज्म भी बोलते हैं, और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। अब कीपिंग इन माइंड द 4 प्रॉब्लम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, के इसके 4 प्रॉब्लम्स को जहन में रखते हुए आपने गिवन टेबल फिल करना है। फर्स्टली आपने डिफाइन करने हैं इन वर्ड्स को, डेफिनेशन देने के बाद आप उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। तब ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक अलाइनेशन की डेफिनेशन हम देंगे। अब आपने सेम टू सेम इन डेफिनेशंस को या इस जस्टिफिकेशन को कॉपी नहीं करना, आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको अपने वर्डिंग में सेल्फ राइटिंग में इसको लिखने की कोशिश करनी है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस एंड नॉर्मलेसनेस, के एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक अलाइनेशन क्या है, पावरलेसनेस की फीलिंग, कि आप एक जगह पे देख रहे हैं कि जो काम हो रहा है कि उसमें कोई मिस्टेक है या कुछ भी है, या वो इखलाकी तौर पे गलत है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास वो पावर नहीं है, या नॉर्मलेसनेस है। अकर्स व्हेन वर्कर्स आर असाइंड टू रिपीटेटिव टास्क इन ऑर्डर फॉर द कॉरपोरेशन टू अचीव एफिशेंट प्रोडक्शन, कि एक वर्कर या एक जो कह लें कि पर्सन है उससे रिपीटेटिव जो है ना वो टास्क करवाए जा रहे होते हैं, और वो बंदा वो सब कुछ करके जो है ना उकता चुका होता है। तो अब इसकी जस्टिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक प्रोवर्ब लिखी है, आप भी प्रोवर्ब लिख सकते हैं लेकिन आप चेंज कर लें इसको। अ फेमस राइटर सेड दैट स्टेग्नेंट वाटर, स्टेग्नेंट लाइफ एंड स्टेग्नेंट थाट्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, सो कीप मूविंग। अब ये एक राइटर ने लिखा है कि जो खड़ा हुआ पानी होता है या जो स्टॉप्ड स्टेग्नेंट लाइफ है या वो थाट्स जिनमें कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा क्या करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो सेम आप अपनी डेफिनेशन में भी आ जाएँ कि वो वहाँ पे रिपीटेटिव टास्क कर करके या सेम चीज़ जो है ना वो रिपीट कर करके एक तरह का वो भी स्टेग्नेंट इन्वायरमेंट हो चुका है। तो अब अपने सिनेरियो की जस्टिफिकेशन करते हुए हम कहेंगे, इन द अबव सिनेरियो ताहिर इज़ फिक्स्ड एट अ स्पेसिफिक लेवल एंड परफॉर्मिंग द सेम टास्क फॉर मेनी इयर्स, ड्यू टू दिस रीज़न ही लॉस्ट हिज पैशन फॉर वर्क,
तो उसके अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है. ही हैज़ नो मोर इंटरेस्ट टू डिवेल्प अ चेंज इन हिज़ वर्क क्वालिटी एंड हैज़ नो डिज़ायर टू चेंज हिज़ पोजिशन. कि ना तो उसको अपने काम की क्वालिटी को चेंज करने के लिए कोई पैशन है, ना उसको अपनी पोजिशन के बारे में पैशन है. बस वो टाइम गुजार रहा है और हल्का फुल्का जैसे बस हो रहा है वो काम कर रहा है. नेक्स्ट हमारी सेकंड जो टर्म है वो ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म है. तो इसको कैसे डिफाइन करना है आपने? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन द रूल्स सो मच दैट इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द ओवरऑल गोल, इट्स कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म. कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एक ख़ास रूल्स बना के सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फॉलो करवाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म. तब इन द गिवन सिनेरियो ताहिर इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट एंड हार्श रूल्स ड्यूरिंग वर्क. के उसको अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. दिस प्रॉब्लम कैन इनहिबिट हिम टू फुलफिल द रिक्वायर्ड गोल फॉर वर्क. तो ये प्रॉब्लम उसके काम में हर्डल क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट हमारी टर्म है जी ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशेंसी यानी रेड टैपिज्म. इट इज़ अ फेलियर टू कैप्चर द एफिशिएंसीज ऑफ आउटसोर्सिंग. के ये मतलब वो सोर्स जो हमारे पास मौजूद हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद हैं या वो वर्कर्स जिनके पास कुछ ख़ास एबिलिटीज़ मौजूद हैं उसके बावजूद वो ऑर्गेनाइजेशन उसको कैप्चर नहीं कर पाती या उससे जो है वो एक लेवल्ड टास्क नहीं करवा पाती तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी यानी कि फेलियर एक तरह का कि एफिशिएंसीज को कह लें फॉलो नहीं करवाया जा सकता. तो ड्यू टू द अनसेटिस्फैक्ट्री रूल्स. अब जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था सेकंड में ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म में वो रूल्स के बारे में, तो ये भी तकरीबन उसी से जो है वो सिमिलर है कि अनसेटिस्फैक्ट्री रूल्स की वजह से और कंडीशंस खास जो कंडीशंस शरायत लगा दी जाती हैं वर्कर्स पे, द वर्कर्स कांट वर्क प्रॉपरली एज दे हैव एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू. कि जितनी उनके पास कैपेसिटी होती है या जो वो एबिलिटी रखते हैं वो उतना काम नहीं कर पाते क्योंकि उन पे ख़ास जो है ना वो शरायत लागू कर दी जाती हैं. तो इन द गिवन सिनेरियो मिस्टर ताहिर इज़ ऑब्जर्विंग सेम सिचुएशन सो ही कॉन्ट डू हिज़ बेस्ट. तो ऐसी ही सेम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है जिस वजह से वो अपना बेहतरीन नहीं दे पा रहा उस ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट हमारी जो है वो लास्ट टर्म है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया. इट रेफर्स टू अ पोजिशन इन विच द ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बिकम सो कम्प्लेक्स. कि इसका मतलब ये है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे प्रिंसिपल्स मतलब कह लें कि लागू कर देती है, ये भी रूल्स से रिलेटेड ही हैं या उसके ऐसे टास्क हैं काम करने के, या ऐसा तरीकाकार है जो सो डिफ़िकल्ट है, सो कम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली वर्कर अपने जो है ना वो कंपनी में काम नहीं कर पाते. तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सेट इट्स प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशन सो डिफ़िकल्ट देन इट इज़ श्योर दैट नो कैन डू देयर एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर सो मच मल्टीफेसेटेड. कि मल्टीफेसेटेड होते हैं और टाइम वेस्टिंग होते हैं जिसकी वजह से वर्कर अपना काम ध्यान से नहीं कर पाते या उसके ऊपर काम पे फोकस नहीं कर पाते उन अपने जो है ना वो डिफ़िकल्ट टास्क की वजह से, कि वो उसी की तरफ उनका ध्यान रहता है या उसी को वो फॉलो करते रह जाते हैं. तो इन द गिवन सिनेरियो ताहिर इज़ फेसिंग ऑल दीज डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग हिज वर्क सो ही कॉन्ट डू हिज टास्क एक्यूरेटली. तो मैंने ट्राई किया कि आपके साथ इसका एक सोल्यूशन जो है ना वो शेयर किया जाए. आप इसको आइडिया सोल्यूशन के तौर पर लेंगे, आप इसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करेंगे. तो अगर इसमें मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स.